एक सुपरहिट फिल्म थी जिसे आईएमडीबी पर 7% की रेटिंग मिली है। ये उस टाइम की सबसे महंगी पाकिस्तानी फिल्म थी जिसे करीब 33 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस में बनाया गया था। जहाँ पर तुमको रखा था वहाँ पर हार्ट होता है, मोहब्बत साइंस होती है, बिछड़ना आर्ट होता है। नंबर दो, जवानी फिर नहीं साइंस होती है, बिछड़ना आर्ट होता है। मोहब्बत साइंस कितना आ गया यार, मतलब बायोलॉजिकल कह रहे हैं कि किस तक नल कह रहे हैं, मोहब्बत सको आर्ट है, बिछड़ना साइंस हो सकता, बिछड़ना तो मैथमेटिक्स हो गया ना कि कैलकुलेशन करके कि यार मैं दिन रहना कि नहीं रहना। सही कंफ्यूजिंग सी डायलॉग। एक जीप काली होवे नी स्पीड 40 बीट इंटेंस वाली फिर गम सेटया। Hey guys, welcome back to the channel, जिसका नाम पंजाब रियलिटी एक्स्ट्रा एंड आई एम योर होस्ट सनमीत सिंह। आज की वीडियो में आप देखेंगे टॉप 5 हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवीज ऑफ पाकिस्तान, जो कि ऑल टाइम फेवरेट है एंड बॉक्स ऑफिस से जिदिया अर्निंग्स ने धुम्मा मचाती हैं। देखेंगे कि यह 5 मूवीज केड़ियां केड़ियां, आओ देखिए ते पूरी वीडियो देखो एंड तक, जिन्होंने चैनल है तक सब्सक्राइब किया जस्ट डू सब्सक्राइब गाइस बिकॉज वी नीड योर सपोर्ट। एंड मैं नोट कर रहा हूं ज्यादा नवा साल चढ़िया है, नवे साल का कितना चाह होता लोगों को, लेकिन अपने इस चैनल से पंजाबी टीवी एक्स्ट्रा से व्यूज एकदम घट हो गया। आई डोंट नो कि यूट्यूब का एल्गोरिथम सिस्टम है या वीडियो की चॉइस मेरी गलत होगी, पर तुसी भी फिर भी मैनू जिहड़ी रिकमेंड करते रहा करो कि कितनी कितनी वीडियो की आप रिएक्शन बनाइए, जस्ट कमेंट डाउन बिलो ते बाकी वीडियोस नु देखो वॉच करो ते चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो देख दे। दोस्तों टोफा हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है, मेरा नाम है शाहिद और आज हम बात करने वाले हैं हाईएस्ट ग्रॉसिंग पाकिस्तानी फिल्मों के बारे में। एक फिल्म आई है जिसका नाम है द लेजेंड ऑफ मौला जट। इस फिल्म ने सिर्फ ओवरसीज बॉक्स ऑफिस पर ही 100 करोड़ से ज्यादा कमाई की है। पाकिस्तानी सिनेमा में अभी तक कुछ गिनी चुनी फिल्में ही 50 करोड़ का कलेक्शन कर पाई हैं। ऐसे में अगर कोई फिल्म 150 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन करे तो ये काफी बड़ी बात है। अब देखो अपने यहाँ 100 करोड़ की कोई वैल्यू नहीं है, हर साल कितनी इंडियन फिल्म, भाई बहुत वैल्यू है 100 करोड़ दी यार, फिल्म इंडस्ट्री दे विच भी बहुत वैल्यू है ये देखने नूं लगता है। ते मेरे अर्गे जां थोड़े अर्गे बंदे को 100 करोड़ आ जाए ना ते आपां तां की कर में 100 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन करती हैं। इसी साल अभी तक करीब 30 फिल्मों ने 100 करोड़ से ज्यादा कमाई की है, तो अपने यहाँ ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी सिनेमा के इतिहास में ये पहली बार हुआ है जब किसी फिल्म ने 100 करोड़ से ज्यादा कमाई की है। वैसे ये यहाँ का 100 करोड़ नहीं है, ये वहाँ का 100 करोड़ है, क्योंकि यहाँ का 100 करोड़ पाकिस्तान का लगभग 270 करोड़ होगा। तो आज हम हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों में जिन पाकिस्तानी फिल्मों के बारे में बात करेंगे वो पाकिस्तानी रुपीस में होगा, ना कि इंडियन रुपीस में। ओके, सिर झुका के पहले से तय होगी डेफिनेटली। नंबर 5, तीफा इन ट्रबल। अली जफर को तो आप सब जानते ही होंगे, अली जफर ने करीब 7 हिंदी फिल्मों में काम किया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अली जफर जो एक पाकिस्तानी एक्टर हैं, उन्होंने अभी तक सिर्फ एक ही पाकिस्तानी फिल्म में काम किया है और फिल्म का नाम है तीफा इन ट्रबल। 2018 में रिलीज हुई ये फिल्म एक सुपरहिट फिल्म थी जिसे आईएमडीबी पर 7% की रेटिंग मिली है। ये उस टाइम की सबसे महंगी पाकिस्तानी फिल्म थी जिसे करीब 33 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस में बनाया गया था और इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर करीब 50 करोड़ का कलेक्शन किया था। अपने यहाँ के हिसाब से करीब ये फिल्म उदो दी है शुरुआती समय दी, जदों मैं अपने मेन चैनल ते रिएक्शन करने शुरू किए थे ते उदो यह जिहड़ी है इस चैनल नूं इस फिल्म दा ट्रेलर जिहड़ा मैं रिएक्शन बनाया सीगा ते मैनूं ट्रेलर बहुत पसंद आया। 18 करोड़ नंबर 4, पंजाब नहीं जाऊंगी। 2017 में रिलीज हुई ये फिल्म एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसे नदीम बैग ने डायरेक्ट। आई डोंट नो कि ये जिहड़े सारे आर्टिस्ट सी ये किधर गए चले, ठीक है, इन्ना आर्टिस्टां नूं लैके फिल्मां क्यों नहीं बन रही हुण, मतलब 2017 तो लैके 2019-20 तक जिहड़ा, मतलब कोरोना तो पहलां जिहड़ा बड़ा क्रेज जिहा चलिया सी फिल्मां दा पाकिस्तान च, एक वारी हाइप जी आई सी, फिल्मां आ रही सी, वधिया आ रही सी, लेकिन कोरोना तो बाद फिर जड़ा काम ठंडा पै गया। क्या है नदीम बैग के बारे में जब मैंने सर्च किया तो पता चला कि इन्होंने अभी तक 4 फिल्में डायरेक्ट की हैं और ये चारों फिल्में हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों में से एक है। पंजाब नहीं जाऊंगी फिल्म भी एक सुपरहिट फिल्म है जिसे आईएमडीबी पर 7% की रेटिंग मिली है। इस फिल्म को 11.5 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस में बनाया गया था और इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 51.65 करोड़ का कलेक्शन किया है। इंडियन रुपीस में देखें तो इस फिल्म ने 19 करोड़ का कलेक्शन किया था। मोहब्बत में
में औरत से कोई जीता नहीं है। उर्वा जी ना, उर्वा हुसैन। और नफरत में औरत को कोई हरा नहीं सका। नंबर 3, लंदन नहीं जाऊंगा। पंजाब नहीं जाऊंगी फिल्म 2017 में आई थी और लंदन नहीं जाऊंगा फिल्म इस साल 2022 में रिलीज हुई है। इस फिल्म को भी नदीम बैग ने ही डायरेक्ट किया है। दरअसल लंदन नहीं जाऊंगा जो फिल्म है वो पंजाब नहीं जाऊंगी की स्पिन ऑफ है। अब कहानी तो मुझे पता नहीं है लेकिन ये फिल्म उसी फिल्म की स्पिन ऑफ है और इस फिल्म में भी हुमायूं सईद और महवीस हयात लीड रोल में है। फिल्म को मिक्स रिव्यू मिले थे जिसे IMDb पर 5.2 की रेटिंग मिली है। लंदन नहीं जाऊंगा फिल्म को 18 करोड़ पाकिस्तानी रुपीज में बनाया गया था, यानी कि इंडियन रुपीज में इस फिल्म ने करीब 21 करोड़ का कलेक्शन किया है। तो अर्ज किया, जहां पर तुमको रखा था वहां पर हार्ट होता है, मोहब्बत साइंस होती है, बिछड़ना आर्ट होता है। नंबर 2, जवानी फिर नहीं साइंस होती है, बिछड़ना आर्ट होता है। मोहब्बत साइंस कितना आ गया यार। मतलब बायोलॉजिकल कह रही है कि किस तक नल कह रहे हैं, मोहब्बत से को आर्ट है, बिछड़ना साइंस हो सकता, बिछड़ना था मैथमेटिक्स हो गया ना कि कैलकुलेशन करके कि यार मैं रहना कि नहीं रहना। सही कंफ्यूजिंग ये डायलॉग। यानी 2 ये सिक्वल फिल्म है और इस फिल्म को भी नदीम बैग ने ही डायरेक्ट किया है। जवानी फिर नहीं आनी 2015 में आई थी और उस टाइम इस फिल्म ने सबसे ज्यादा कमाई की थी। 2018 में इसका सिक्वल आया और अभी इस साल तक ये फिल्म हाईएस्ट ग्राउजिंग पाकिस्तानी फिल्मों में नंबर 1 पर थी, लेकिन अभी ये फिल्म नंबर 2 पर है। जवानी फिर नहीं आनी 2 एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी जिसे IMDb पर 7.2 की रेटिंग मिली है। इस फिल्म को 13 करोड़ पाकिस्तानी में बनाया गया था और इसलिए वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 73 करोड़ का कलेक्शन किया है। अच्छा, चक्करे तो फिल्मों वाले जड़े बंदे सी ना, फाहद मुस्तफा जहां महवीश हयात जहां हुमायूं सईद, ये सारे ड्रामे ला गए यार। मतलब शायद जे फिल्मों से काम करते रहते ना तो मेरे ख्याल इन्हों का जो करियर है बहुत इस तो भी ज्यादा ब्राइट हो सकता है जिन्ना इन्हों का होना है। ये मैनू लगता है, देखो मेरी परसनल चॉइस है, पर पता नहीं की है थोड़े पाकिस्तान के प्रोड्यूसर्स घट है, पैसा घट लाते हैं फिल्मों से की है, फिल्म इंडस्ट्री जी ग्रो कर नहीं पा रही। जिहड़ा हुण लीजेंड ऑफ मौला जट आई है इन्हें सारे रिकॉर्ड तोड़े जरूर है, लेकिन उस तो बाद भी हजे तक कोई देखने मिली नहीं फिल्म। हो सकता है शूटिंग चल रही हो। बजट को देखें तो फिल्म ने काफी अच्छी कमाई की है। 73 करोड़ को अगर हम इंडियन रुपीज में देखें तो इस फिल्म ने करीब 27.5 करोड़ का कलेक्शन किया है। अम्मी जान कहती थी कोई बंदा छोटा नहीं होता, और जिसकी की है 73 करोड़ को अगर हम इंडियन रुपीज में देखें तो इस फिल्म ने करीब 27.5। ये तो इंडियन है। अच्छा, इंडियंस में भी तुम जो अंकल जी है पंजाबी फिल्म हरभजन मान की मूवी देखा होना, इन्होंने बहुत सारे इंडियन ने क्या करोड़ का कलेक्शन किया है। मम्मी जान कहती थी कोई बंदा छोटा नहीं होता, और जिसके दिल में प्यार हो उसे का खोटा नहीं होता। अम्मी जान डिन नो जैक। नंबर 1, द लेजेंड। अम्मी जान ये तो मेनू शाहरुख खान की फीलिंग क्यों आई जदों ये इदां बोल रहे सी। लेजेंड ऑफ मौला जट। द लेजेंड ऑफ मौला जट पाकिस्तानी सिनेमा की वो पहली फिल्म है जिसने 100 और 150 करोड़ से ज्यादा कमाई की है। फिल्म ने बाहर के देशों में काफी अच्छा कलेक्शन किया है। खबरों की माने तो ओवरसीज बॉक्स ऑफिस पर ही फिल्म ने 100 करोड़ से ज्यादा कमाई की है। तो द लेजेंड ऑफ मौला जट एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसमें फवाद खान के साथ हमजा अली अब्बासी, माहिरा खान और हुमैमा मलिक अहम भूमिका में नजर आएंगे। ये फिल्म 1979 में आई पाकिस्तानी क्लासिक फिल्म मौला जट की रिमेक है। तो इस फिल्म को करीब 55 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस में बनाया गया है और इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर करीब 160 करोड़ का कलेक्शन किया है। इंडियन रुपीस के हिसाब से करीब 60 करोड़ का कलेक्शन किया है। तो ये वो 5 पाकिस्तानी फिल्में हैं। सही है गाइस, इसकी फिल्म एसी का हजदा है कि अपना रिएक्शन एंड जेड़े बंदे ने एडिटिंग की थी है ना इस वीडियो दी उनु शायद पता नहीं सका कि मौला जट दे विच जेकर हमजा अली अब्बासी दा कोई डायलॉग लाउंदे तां होर घैंट लगना सी, जां फिर मौले जट दा लाउंदे तां घैंट सी भी फिल्म। फिर फिल्म मतलब फिर ट्रेलर हद हो गई है, मतलब घैंट सी इह अज दियां टॉप 5 ग्रोसिंग मूवीज। देखो द लीजन ऑफ मौला जट ने जो ट्रेंड सैट किया बहुत लाजवाब आ। देखो कैमरा एंगल्स, डायलॉग, स्क्रीन प्ले, मूवी का प्लॉट, स्क्रिप्ट, एक्टर्स की एक्टिंग, ड्रेसअप, कोरियोग्राफी, मतलब एवरीथिंग इज सुपर्ब।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਤੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਹੈ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸੀਨਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਹੈ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਸੀਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਏਗੀ ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਆਈਆਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈਐਸਟ ਗਰੋਸਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਠੰਡਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਓ ਯਾਰ ਫਿਲਮਾਂ ਹੋਰ ਅਤੇ ਦੇਖੀਏ ਅਤੇ ਓ ਟੀ ਟੀ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰ ਸਕਣ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ 'ਤੇ ਪਾਓ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੈਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਨ ਹੈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਓ ਟੀ ਟੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਬੈਨ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਵੀਡੀਓ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਜਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ